पिछली बार इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में जब आपने देखा था कि सिंचन और उनके घर में वापस ग्रैनी आ गई थी और जब उन्हें पता लगा कि उनके घर में ग्रैनी आ गई तो वो बाबा के पास गए और उन्होंने बाबा के पास जाने के बाद सब कुछ बताया। तो फिर बाबा ने उन्हें बताया कि अपने घर में एक हवन करवाओ और ग्रैनी को बोतल में बंद करवाओ। तो वो ग्रैनी को उकसाने के बाद अपने साथ अपने पीछे पीछे बाबा के पास ले गए और बाबा ने उस ग्रैनी को एक बोतल के अंदर बंद कर दिया। फिर वो बोतल अचानक ही अपने आप फट गई और उसके अंदर से ग्रैनी बाहर निकल गई और वीके सिनोरा के पीछे दोबारा लग गई। अब आगे, अरे यार वो ग्रैनी तो पोर्टल में से निकल गई, अब हमें क्या करना चाहिए? अरे मैं किसी ना मुझे क्या पता, अब तो वो ग्रैनी हमारे पीछे ही पड़ जाएगी। ओ यार जल्दी से वैसे घर में भागो, घर के अंदर छुप जाते हैं जाके। हाँ गाइस ये ग्रैनी क्या करवा रही है यार, हम मर गए अभी। सो गाइस ये ग्रैनी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इस ग्रैनी को हमने डायनासोर से भी मरवाया, इसे बोतल के अंदर भी पैक कर दिया लेकिन फिर भी ये बच गई। इस बार हमें इस ग्रैनी को क्या करना चाहिए? ओए मेरे पास एक आइडिया है। हाँ क्या आइडिया है? ओए हम घर के अंदर छुपे रहते हैं। अबे हट, घर के अंदर छुपे कितने टाइम तक रहेगा? अरे अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। सो गाइस अब हमें खुद ग्रैनी से पूछना पड़ेगा वो चाहती क्या है। अबे हाँ गाइस, अब ने उस लड़की को मारा था, सो गाइस अब ये ग्रैनी मुझे लगता है हमें मारना चाहती है। अरे चलो विकी ने जल्दी घर के अंदर घुस जाते। हाँ गाइस अब मैं जल्दी घर के अंदर जाता हूँ। और गाइस अब मैं घर के अंदर रहता हूँ और सो जाता हूँ। यार गाइस मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो अभी मैं जल्दी सो जाता हूँ, बाद में सोचेंगे कल। अरे गुड मॉर्निंग गाइस, चलो अभी मैं उठ जाता हूँ। अरे अभी तो रात ही हो रही है, चलो अभी मैं जल्दी जल्दी टॉयलेट के लिए जाता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा तेज टॉयलेट आ रहे। सो गाइस अभी मैं टॉयलेट कर रहा, अरे ऊपर है टॉयलेट तो मैं बाहर कहाँ जा रहा था। चलो गाइस अब मैं ऊपर चले जाता हूँ और अभी मुझे बहुत तेज प्रेशर आ रहा है, चलो अभी अंदर चलता हूँ मैं। तो गाइस ये अंदर आ चुका हूँ, ये क्या इस सीन के ऊपर तो ग्रैनी खड़ी हुई है। अरे अब तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे ग्रैनी ग्रैनी मुझे माफ कर दो, मैंने थोड़ी ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, वो तो वीके सिन्हा ने तुम्हें मारा था। अरे हाँ हाँ ये तो सही है लेकिन मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। मेरे शरीर का क्या करूँगी? तुम्हारे शरीर से मैं वीके सिन्हा को परेशान करूँगी और उसे मार दूंगी। तो एक काम करो, तुम अभी के अभी वीके सिन्हा को एक जंगल में लेके जाओ, जल्दी से जल्दी, तुम्हें फिर मैं वही मिलूंगी। अरे क्या भी किसी को अभी जंगल में लेके जाने, वही जंगल जुरासिक पार्क वाला। चलो गाइस अभी मैं जल्दी चलता हूँ नीचे, वो भी किसी ने को उठाता हूँ। किसी ने सुनो, अबे यार क्या हो गया सिंचन? ये भी किसी ने बाइक में बैठो जल्दी, मुझे आपको एक चीज दिखानी है। मैंने ग्रैनी देखी कहीं। क्या कहाँ देखी, कहाँ देखी? इस तरफ को उड़ के गई थी। अरे गाइस अभी हम जल्दी चलते हैं। सुबह वो ग्रैनी इस तरफ उड़ के क्यों गई, क्या हो चुका ऐसा? अरे पता नहीं गाइस, चलो वहीं जाके देखने के बाद पता लगेगा। हाँ गाइस वो वहाँ देखने के बाद ही पता लगेगा। सो गाइस ये जंगल में क्यों गई ग्रैनी? अरे हाँ जंगल के अंदर ही गई थी वो ग्रैनी। सो गाइस मुझे लगता है उसका अड्डा वही है। अच्छा चलो गाइस अभी मैं ग्रैनी को देखती हूँ यहाँ पे जंगल में जाके, इसका अड्डा यहाँ पे है कि नहीं है। गाइस आप देख सकते हो ये जंगल तो बहुत डरावना लग रहा है, तो बहुत ज्यादा डरावना जंगल है, इसमें कोई आया सिंचन? इसी में तो ग्रैनी गई थी, चलो अभी यहीं पे थी वो ग्रैनी, चलो ढूंढते। हाँ गाइस अभी मैं जल्दी ढूंढता हूँ। अरे बस यहीं रुक जाओ, क्या हो गया ऐसे यहाँ पे? पीछे देख, पीछे क्या है ऐसा? अरे ये क्या, ये ग्रैनी तो पेड़ पे लटकी हुई है। अरे गाइस तो सच में पेड़ पे लटकी हुई है, ये क्या कर रही है यहाँ पे? अरे तुम नहीं बचोगे वीके सिन्हा मेरे से, सिंचन को मैंने कहा था तुम्हें यहाँ लाने के लिए, अब तुम नहीं बचोगे, अब ये रात मेरी है, अब मैं तुम्हें इसी रात को मार के यहीं दफना दूंगी। अरे यार जल्दी भागना चाहिए, सुबह से तो बहुत ज्यादा डरावनी आवाजें आ रही है यहाँ से, और बिजली भी कड़क रही है यार, ये क्या हो रहा है? अरे जल्दी भागो वीके सिन्हा, ये तो बहुत डरावना लग रहा है, अभी क्या करना चाहिए? और गाइस अभी मुझे जल्दी जल्दी बाबा के पास जाना चाहिए। सो गाइस ये ग्रैनी तो मेरा पीछे ही छोड़ने की, और वो देख सकते हो उड़ती हुई आ रही है अभी। अबे ये क्या हो गया, ये मैं बाहर क्यों निकल पाया यहाँ से?
कार चलती, दूसरी कार मंगाओ। और गाइस जल्दी यहाँ से निकलो, चलो बाइक मिल चुकी है। अबे मैं इसे बैठ नहीं पा रही, क्या हो रहा है, क्रैनी क्या कर रही है, मुझे लगता है यही मार दी यहाँ से मुझे। ओए तो चलो अब जल्दी घर के अंदर भागते हैं। अबे घर में नहीं जाना आज, आज हमें वहाँ पापा के पास जाना है गाइस, पापा ही मुझे अब बचा सकते हैं। सो गाइस मुझे पापा के पास जाना चाहिए। और गाइस यहाँ पे पापा भी नहीं है, पापा तो वहीं मर गया था। अबे वो ब्लास्ट से तो वहीं मर गया था, भूल गया। ओए अब क्या करना चाहिए, अब तो क्रैनी हमारा पीछे छोड़ेगी नहीं। अरे गाइस अभी आप क्रैनी के पास ही चलता हूँ, उसे बोलते कि उसे चाहिए क्या। हाँ गाइस अब मुझे क्रैनी के पास जाके उसे बोलना पड़ेगा कि उसे चाहिए क्या। सो गाइस फिर क्रैनी हमारे पीछे शायद छोड़ सकती है। गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, क्रैनी यही कहीं आनी चाहिए। चलो देखता हूँ कहाँ आती है। सो गाइस दिख तो रही है नहीं अभी तक। ये देख पेड़ पे लटकी हुई है। अरे क्रैनी तुम अब मुझे बता दो कि तुम्हें चाहिए क्या और मेरा पीछा छोड़ दो। अच्छा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन तुम मुझे एक शरीर ला के दो। अबे क्या शरीर चाहिए? अरे यहाँ बस किसी का भी शरीर चलेगा, बस शरीर होना चाहिए तो मैं फिर तुम्हें छोड़ दूंगी। अच्छा ठीक है मैं शरीर लाता हूँ एक। सो गाइस इस ग्रैनी को एक शरीर चाहिए। अबे गाइस अब शरीर किसका लाए और किसका दे ग्रैनी को लाके। अबे यार ये तो मुझे भी नहीं पता, चलो देखना चाहिए। सो गाइस यहीं कहीं किसी का शरीर मिल जाए फिर गाइस हम उस शरीर को ग्रैनी को दे देंगे। और सिटी वालों का तो लेंगे नहीं, क्योंकि गाइस सिटी वालों का लेने के बाद तो पुलिस को पता लग जाएगा कि यहाँ से कोई चोरी हुआ है, मतलब कोई मर के चोरी हो गया है। गाइस मुझे किसी फॉरेन का लेना चाहिए। सो गाइस अभी यहाँ पे बीच पे फॉरेन लोग, फॉरेन कंट्री से आते रहते हैं लोग, तो मैं सोच रहा हूँ कि वहीं से किसी का शरीर उठा लेता हूँ। और ये देख सकते हैं बीच आ चुका है। हाँ गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लड़की घूम रही है, तो मुझे लगता है इसी को मुझे मार देना चाहिए। सो गाइस मुझे जल्दी मार देना चाहिए। सो ये देख सकते हैं मर गई। चलो गाइस आप देख सकते हैं मर चुके हैं, अब मैं इसका शरीर उठा लेता हूँ। सो गाइस यहाँ से मैं कार को भी उठा लेता हूँ ताकि किसी को पता ना लग जाए। सो गाइस इसके अंदर किसी को दिखता भी नहीं है। चलो मैं कार उठा लेता हूँ ये। ओए हमने इसके अंदर शरीर को डाल दिया है कार के अंदर डिग्गी में। हाँ गाइस वो लाश हमने डाल दिया। और गाइस अब हम इसे लेके चलते हैं जुरासिक पार्क में और फिर उसे ग्रैनी को दे देते हैं लाश को, और फिर वो ग्रैनी हमारा पीछा छोड़ देगी। तो चलो गाइस अभी मैं जल्दी से जुरासिक पार्क में लेके चलता हूँ। और गाइस जब तक मैं इसे लेके जा रहा हूँ तब तक मैं आप लोग शाउट आउट भी दे देता हूँ। सो गाइस आज के डोगा सबसे शाउट आउट आता है पांशु महेश वारी को, और दूसरा शाउट आउट आता है मोहित दास को, और तीसरा शाउट आउट आता है अलाच रसोल को, और चौथा शाउट आउट आता है लाइक गेमिंग को। तो ये देख सकते हैं हम आ चुके हैं जुरासिक पार्क के पास। हाँ गाइस आप देख सकते हैं जुरासिक पार्क आ चुका है, तो अब मैं जल्दी चलता हूँ और ये ग्रैनी को दे देता हूँ इस लड़की का शरीर। अरे हाँ चलो चलते। सो गाइस यही कहीं वो ग्रैनी रहती है। हाँ गाइस बस यही कहीं मुझे जल्दी मिल जाए। और ये देख सकते हैं गाइस ये यही कहीं रहती है, ये देख सकते हैं सामने पेड़ के पास ही रहती हो। चलो मैं जल्दी यहाँ पेड़ के पास उतर जाता हूँ। और गाइस ये देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ, ये ग्रैनी यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लटकी हुई है। ग्रैनी ये देखो मैं शरीर लिया है, नीचे तो आ जाओ। अरे अभी मैं आती हूँ। ये देख सकते हैं ग्रैनी ये शरीर नीचे पड़ा हुआ है, ये मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ, अब तुम इसे ले लो और मुझे छोड़ दो। अरे हाँ ग्रैनी इसे ले लो और हमारा पीछा छोड़ दो। अच्छा अभी मैं ले लेती हूँ, किसे ना तुमने ये शरीर दे के मुझे बड़ी गलती कर दी, मेरे में और पावर आ गई। अबे ये क्या ग्रैनी में और पावर आ गई, ये क्या कर रही है ग्रैनी, जल्दी भागो। अबे मैं कार में नहीं बैठ पा रहा, ओ शिट मैं मर गया यहाँ पे, मुझे लगता है मैं गया। गाइस आप इसका सेकंड पार्ट देखना मत भूलना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं आपको वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।